दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कथित लव स्टोरी शुरू हुई थी। ऐसी प्रेम कहानी जो कई सालों तक चटकारों के साथ परोसी गई। साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म को हमेशा सलमान ऐश्वर्या के अफेयर्स के चलते चर्चा में रही। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो गए। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम ऐसा हुआ कि आज तक ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देते। आपको बता दें, जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग सलमान खान ने शुरू की, तब तक उनका ब्रेकअप संगीता बिजलानी के साथ हो चुका था। सलमान ने जब ऐश्वर्या को देखा तो उनके तरफ आकर्षित होने लगे। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। फिर क्या, सलमान को बिल्कुल नहीं पसंद था कि ऐश्वर्या राय को किसी के पास देखना। कहा तो ये भी जाता था कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर इस कदर दीवाने हो गए थे कि वो आधी रात उनके घर पहुँच कर दरवाज़ा पीटना लगते थे। आइए बताते हैं सलमान ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी की दिलचस्प किस्से। आपको बता दें, इस फिल्म का टाइटल उस दौरान सलमान खान की लाइफ पर एकदम सेट बैठता था, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान वाकई में सलमान ऐश्वर्या को दिल दे चुके थे। ये दीवानगी ऐसी थी कि वो कभी कभी गुस्से में लाल भी हो जाया करते थे। कहा जाता था कि वो किसी भी कीमत पर ऐश से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि ये लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक हम दिल दे चुके सनम के क्लाइमैक्स से सलमान खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि फिल्मी दुनिया में भी ऐश उनसे दूर जाए। फिर क्या, संजय लीला भंसाली के पास सलमान गए और साफ कह दिया कि इसका क्लाइमैक्स में बदलाव किया जाए। लेकिन संजय लीला भंसाली अपने काम में किसी तरह की दखल नहीं चाहते थे। वो कहानी में बदलाव को भी तैयार नहीं हुए। कहा तो ये भी गया कि सलमान भंसाली से खासा नाराज हो गए थे। वहीं फिल्म के बाद तमाम गॉसिप सामने आई कि सलमान देर रात ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए थे। वो तेज तेज से उनका दरवाजा पीट रहे थे, वो उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन देर रात 3 बजे तक दरवाजा खटखाने के बाद जब ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान ने ऐश्वर्या को छत से कूदने की धमकी भी दी। खैर, ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो स्टार्स ही जाने। कहा जाता है कि ऐश्वर्या सलमान के जिद्दी व सन की व्यवहार से तंग आ गई थी। वो इस जिद को नहीं संभालना चाहती थी, लेकिन सलमान ऐश के प्रति बहुत सरेही थे। दोनों के बीच तमाम किस्से गॉसिप्स सामने आए, लेकिन ऐश ने सलमान से दूरी बनानी ही बेहतर समझी। उसी दौरान ऐश्वर्या को विवेक ओबेरॉय मिल गए और उनके बीच में उन नजदीकियां बढ़ गई, जिस बात को सलमान खान बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। इसी के चलते विवेक ओबेरॉय का करियर भी खराब हो गया। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।